स्कूल खुलते ही सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के बीच गुटबाजी शुरू हो गई है, जिसके चलते सैकड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। ऐसा ही एक मामला दिखाई दिया है हमीरपुर जिले में, जहां दो महिला अनुदेशकों और प्रधानाचार्य के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। देखिए रिपोर्ट। सपा सरकार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए अनुदेशकों की नियुक्ति की गई थी। इन अनुदेशकों को उन स्कूलों में तैनात किया गया था जहां बच्चों की संख्या 100 या इससे अधिक हो, लेकिन अपनी मनमानी पर उतारू प्रधानाचार्य अब अनुदेशकों को हटाने के लिए स्कूल से बच्चों का नाम काट रहे हैं या उनका नाम लिख ही नहीं रहे, जिससे कि बच्चों की संख्या 100 से कम हो जाए और अनुदेशक खुद ब खुद स्कूल से हट जाएं। इन प्रधानाचार्यों को ना तो बच्चों के भविष्य की चिंता है, ना ही स्कूल में शिक्षा व्यवस्था सही रखने की। उन्हें चिंता है तो बस अपनी मनमर्जी चलाने की। यहाँ पे सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं, प्रवीण मैम को छोड़ ये पढ़ाती का मैं कुछ गालियाँ कुछ ज्यादा दे रही कह रहे थे कि करिश्मा मैम और जो अंजना मैम है इन लोगों को हटाना है, और गजेन सर जी भी कह रहे थे, और सर जी हमको उस दिन ऑफर भी दिया था, कह रहे थे 150 रुपये देंगे अगर तुम ऐसे ऐसे। पढ़ाई अच्छी चल रही है पर लेकिन बीच में बार बार लड़ाई होने लगती है। कैसे, कौन लड़ता है? परवीन मैम और अंजना मैम बीच में झगड़ने लगती हैं और कहती हैं हमको मारती हैं। आप लोगों की पढ़ाई हो पाती है उनके बीच में? जी नहीं। तो आप लोगों ने किसी से शिकायत की? जी। किससे? बीएसए साहब। पूरा मामला कुसमरा गाँव में स्थित कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है, जहाँ की प्रधानाचार्य परवीन बानो ने विद्यालय में तैनात अनुदेशक अंजना देवी और करिश्मा ओमर को स्कूल से हटाने के लिए एक साजिश रच डाली। इसमें उनके द्वारा कराए गए सर्वे में 107 बच्चों के नामांकन में अपनी मनमर्जी चलाते हुए 12 बच्चों के नाम काटकर उन्हें टीसी थमा दी गई। इसके कारण अनुदेशकों का नवीनीकरण अधर में लटक गया है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों का स्कूल से नाम काटने पर अभिभावकों में रोष फैल गया है। जैसे हम लोग स्कूल के अंदर जब आते हैं हम लोग, तो हमारे प्राइमरी में है अध्यापक, वो शिक्षा मित्र हैं कृष्ण कुमार, तो उनका हमारे जब अंदर घुसते तो हमको धक्का मुक्की मतलब करना, धक्का दे के निकलना, घूर के देखना, छिपकली कहना, गोए कहना, और सब जगह कहते फिरना, और बार बार ये कमेंट करना कि यार इन लोग की जो आदत है गाँव का घूमने की, ये अपने बच्चे और अपना कर लेंगे, और ये सब ये हमारी मैडम की सभी सहम करते हैं लोग, और जो हमारे जीते सर अध्यापक हैं ये सब उनकी सहम में सब ये कार्य कर रहे हैं। वहीं मामले की जानकारी जब जिला बेसिक अधिकारी हमीरपुर को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच करते हुए ग्रामीणों और अनुदेशकों के बयान लिए और मामले की जांच शुरू की। मैं सामान्य भ्रमण पे निकला हुआ था, तो क्योंकि कुसमरा का मेरे संज्ञान में था, मैं वहां जाकर के बच्चों ने बात किया है। कई राउंड में मैं देखूंगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पठन पाठन का माहौल किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सरकारी स्कूल में अपनी मनमानी चलाने के लिए प्रधानाचार्य ने अनुदेशकों को हटाने के लिए मासूम बच्चों को टीसी पकड़ा दी, जिसका खामियाजा मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है। मामले की जानकारी होने पर बीएसए ने जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षकों में छिड़ी वर्चस्व की जंग में मासूम बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हमीरपुर से नेशनल वॉइस के लिए मुकेश की रिपोर्ट।